तो आ गया है हमारे पास बोट वॉच फ्लैश। और गाइज आज का जो वीडियो है उसके अंदर करने वाला है अनबॉक्सिंग, रिटेल रिव्यू और गिव अवे। गिव अवे स्टेप्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के एंड के अंदर। और हाँ, गिव अवे विनर का अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो जाइए इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे, और वहाँ पे मुझे फटाफट फॉलो कीजिए। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पे जाके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सो प्रजय हियर, वेलकम टू चैनल ई टेक एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, हमने ये परचेस किया है फ्रॉम अमेजोन। परचेस लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। और इसका जो प्राइस है, लॉन्चिंग प्राइस, वो है 2499। तो मे बी आफ्टर लॉन्च ये थोड़ा सा यहाँ पे हाई हो सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से पैकिंग में हमें मिल जाता है। तो कट कर देते हैं और निकाल देते हैं बॉक्स को। जो बॉक्स है उसके ऊपर यहाँ पे पीछे काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन फीचर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जैसे कि आता है 1.3 इंच की फुल टच एलसीडी डिस्प्ले के साथ, कॉल एंड टेक्स्ट नोटिफिकेशन, कैमरा म्यूजिक कंट्रोल, सैनिटरी हाइड्रेशन अलर्ट, वेदर फोरकास्ट अलर्ट। काफ़ी अच्छा गाइज यहाँ पे आपको मींस फीचर मिल जाता है। मल्टीपल स्पोर्ट मोड, ब्लड ऑक्सीजन, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग, गाइडेड ब्रीथिंग मोड, और ये आता है फाइंड माई फ़ोन के फीचर के साथ। तो गाइज, और हाँ, यहाँ पे IP68 का भी रेटिंग मिल जाता है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर आपको मिल जाते हैं। तो कट कर देते हैं बॉक्स को और डिब्बे को यहाँ पे ओपन कर देते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें मिल जाता है बोट वॉच फ्लैश। तो कुछ इस तरीके से मिल जाता है। तो निकाल देते हैं यहाँ पे डायल को। तो डायल और स्ट्रैप्स जो है दोनों यहाँ पे आपको अलग अलग मिलते हैं। आपको यहाँ पे स्ट्रैप्स को अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से बाकी सारी एक्सेसरीज भी मिल जाती है। 1 ईयर वारंटी कार्ड, सनबर्न, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और यहाँ पे वायरलेस तो नहीं, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल भी यहाँ पे मिल जाता है। तो गाइज, यहाँ पे आपको इतना मिल जाएगा फ्रॉम द अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसके अंदर यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि कैसे चार्ज करें, कैसे कनेक्ट करें और कौन सी ऐप से आपको यहाँ पे आपके मोबाइल के साथ इसे कनेक्ट करना है। यह आता है 1 ईयर की वारंटी के साथ, जो काफ़ी अच्छी बात है गाइज। और यहाँ पे काफ़ी सारा मीन्स जो प्रोडक्ट्स है बाकी सारे बोर्ड्स के, उसका भी यहाँ पे एक लीफलेट आपको मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे चार्जिंग केबल की, तो ये है मैग्नेटिक टाइप चार्जिंग केबल जो आता है पिन कनेक्टर के साथ, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे मैग्नेटिक पावर भी आपको मिल जाता है। और गाइस, जो स्ट्रैप्स है वो काफ़ी सुपर यहाँ पे क्वालिटी में है, काफ़ी सॉफ्ट है, और जो साइज़ है, थिकनेस है, वो काफ़ी मुझे यहाँ पे पसंद आई। तो स्टिकर को यहाँ पे पील ऑफ कर देते हैं और कर देते इसे पावर ऑन। तो ये है बोट, जैसे स्टार्ट करते हैं लोगो भी यहाँ पे आ जाता है, और काफ़ी सुपर यहाँ पे मेटालिक बिल्ड में भी आपको ये मिल जाता है। तो गाइज, जैसे मैंने आगे बताया, आपको यहाँ पे जो स्ट्रैप्स है उसको आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। पीछे यहाँ पे एक छोटा सा स्प्रिंग मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ऐसा पुश करके यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा और ये हो जाएगा रेडी। तो कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है हमारा। बात करें यहाँ पे वेट की, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 53 ग्राम का है, जो लाइट इन वेट तो नहीं बोल सकता, लेकिन गाइज जब आप इसे वियर करते हो ऑन योर हैंड तो काफ़ी यहाँ पे कंफर्टेबल फील देता है। तो ये कुछ ऐसा लगेगा जब आप इसे वियर करोगे ऑन योर हैंड। सो दोस्तों, एकदम ही यहाँ पे ज़बरदस्त जो प्रीमियम वाली फीलिंग है वो आपको राउंड डायल के साथ मिल जाती है। यहाँ पे बात करें अगर डिस्प्ले की, तो 45mm की LCD डिस्प्ले मिल जाती है विथ राउंड डायल, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे मेटालिक बिल्ड में आता है। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे आपको मेटालिक फ्रेम मिल जाती है, और काफ़ी जो मीन्स थिकनेस जो है वो इतनी भी यहाँ पे नहीं है, थिन है। और साउंड में यहाँ पे आपको मिल जाता है क्राउन बटन, जहाँ पे वो एक्ट करता है एज अ पुश बटन यानी बैक बटन। पीछे आपको यहाँ पे हार्ट रेट एंड SPO2 के सेंसर और चार्जिंग डॉट्स मिल जाते हैं। जो स्ट्रैप्स है वो चेंजेबल है, तो आप कोई भी आप स्ट्रैप जो है वो इजीली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और हाँ, ये आता है रेस्ट टू वेक फंक्शन के साथ। और गाइज, बिलीव मी, इसका जो रिस्पॉन्स है काफ़ी सारे स्मार्ट वॉच से मुझे काफ़ी मीन्स काफ़ी फास्ट लगा, तो मैं काफ़ी यहाँ पे इंप्रेस्ड हूँ रेस्ट टू वेक फंक्शन को लेके। तो बात करें यहाँ पे ब्राइटनेस की, तो आउटडोर कंडीशन में गाइज देख सकते हो काफ़ी कम्प्लीटली विजिबल है, काफ़ी शार्प है ये, और ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 o'clock हो गए, लेकिन फिर भी डायरेक्ट सनलाइट में भी ये कम्प्लीटली विजिबल है। तो 2500 रुपीज़ में ये कम्प्लीटली पैसा वसूल है।
और हाँ ये आता है IP68 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ, तो आप इसे शावर में या तो फिर रेन के अंदर भी ऑफकोर्स यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसे यूज़ करने वाले हो स्विमिंग पूल के अंदर, तो गाइज आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ये अप टू 5 फीट 30 मिनट्स तक ही वाटरप्रूफ है। अगर आप ज़्यादा यहाँ पे डीप जाओगे तो मे बी ये डैमेज हो सकता है, सो नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ इन द स्विमिंग पूल। काफ़ी अच्छी बात है कि जो हमारा हार्ट रेट सेंसर है वो काफ़ी यहाँ पे सुपरली अपग्रेड है, तो आगे जो वॉच था या तो फिर काफ़ी सारे ऐसे स्मार्ट वॉच है, अगर आप डायरेक्ट एयर के अंदर भी मेज़र करोगे तो भी ये हार्ट बीट मेज़र करते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे जो सेंसर है वो काफ़ी इम्प्रूव है, और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये मना कर देता है कि भाई कम्प्लीटली आप इसे वियर करो, अदरवाइज़ ये जो हार्ट बीट है उसको ये मेज़र नहीं करेगा। तो गाइज मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ हार्ट रेट सेंसर को लेके। अगर आपको यहाँ पे परफेक्ट डेटा चाहिए तो गाइज यहाँ पे मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप इसे कम्प्लीटली टाइट वेयर कीजिए, यहाँ पे लूज़ मत रखिए, तभी आपको यहाँ पे परफेक्ट डेटा मिल पाएगा। तो आप इससे यहाँ पे डेफिनेटली हार्ट रेट जो है वो मेज़र कर सकते हो, और गाइज यहाँ पे जो एक्यूरेसी है और जो रिज़ल्ट है वो मुझे यहाँ पे काफ़ी सेटिस्फैक्टरी लगा। अगर बात करें SpO2 की, तो गाइज यहाँ पे ऑफ कोर्स आप SpO2 भी मेज़र कर सकते हो, और गाइज इसका भी रिज़ल्ट मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्टरी लगा। यहाँ पे एक और मोड मिल जाता है जो है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट मोड, यानी मन का शांति मोड। तो गाइज काफ़ी यहाँ पे आपको काफ़ी तो नहीं ऑलमोस्ट यहाँ पे जो हेल्थ पॉइंट है वो काफ़ी यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड की, तो टोटल 10 स्पोर्ट्स मोड आपको मिल जाता है, इंक्लूडिंग रनिंग, फुटबॉल, स्कीपिंग, बैडमिंटन, स्विमिंग, योगा वोगा। तो भाई काफ़ी मज़ा है। यहाँ पे इनबिल्ट GPS नहीं है, लेकिन ऐप की हेल्प से आप यहाँ पे जो GPS का ट्रैकिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, और जब भी आप यहाँ पे यूज़ करोगे स्पोर्ट्स मोड के अंदर, तो भाई यहाँ पे जो हेल्थ डेटा है वो भी यहाँ पे ट्रैक करता है, जो आपका हार्ट बीट है और आपका जो पाथ है वो भी यहाँ पे वो ट्रैक करता है। तो गाइज स्पोर्ट्स मोड के अंदर मैं भी काफ़ी यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी यहाँ पे हूँ, क्योंकि GPS तो नहीं है लेकिन आपको GPS का सपोर्ट मिल जाता है। बात करें अदर स्टफ की, तो यहाँ पे आप शेक से सेल्फी ले सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे फाइंड माय फ़ोन है, स्टॉप वॉच है, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और हाँ यहाँ पे आप म्यूज़िक जो है वो भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। तो काफ़ी सारे फीचर के साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है बोट वॉच फ्लैश। मोबाइल के साथ कनेक्ट करना इसको काफ़ी इजी है, मैनुअल के अंदर आपको यहाँ पे QR कोड मिल जाता है, या तो फिर आप सर्च भी कर सकते हो बोट वेरिएबल्स, और वहाँ से आपको कनेक्ट करना है, तो सारे की सारी परमिशन को यहाँ पे अलाउ करना है, तभी ये कनेक्ट हो पाएगा आपके मोबाइल से। तो काफ़ी इजी है, जैसे आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे, यहाँ पे ऐसे कुछ यहाँ पे आपको होम स्क्रीन जो है वो दिख जाता है, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग, वॉकिंग एक्सरसाइज, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे कितने डेज बैटरी चलेगा वो भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता है, और यहाँ पे इनबिल्ट जो है काफ़ी सारे वॉच फेस मिल जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आप यहाँ से क्विकली चेंज कर सकते हो जो प्री इंस्टॉल वॉच फेसेस है उसको भी, और यहाँ पे और बाकी सारे भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि क्लाउड वॉच फेस है उसका भी सपोर्ट मिलता है, और आप अपना फ़ोटो यानी कस्टम वॉच फेस में यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ऐसे कुछ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है गैलरी में जाके, और जो फ़ोटो है उसको कम्प्लीटली यहाँ पे क्रॉप करना है। अगर आप यहाँ पे क्रॉप नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे जो वॉच फेस है वो कम्प्लीट नहीं दिखेगा, इवन जो टाइम है वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, यानी टाइम का जो लोकेशन है ऊपर नीचे यहाँ पे मींस अबव या तो फिर बिलो सेट कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो टाइम का, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है यानी कि डेट चाहिए या तो फिर स्लीप डेटा चाहिए या तो फिर हार्ट रेट चाहिए, तो वो सब भी आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो गाइज काफ़ी कमाल है, और क्लाउड वॉच फेसेस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे एक बात मुझे थोड़ी सी एनोइंग लगी, और वो है वॉच फेसेस को चेंज करना। आपको कंपलसरी मेनू में ही जाना पड़ेगा और वहाँ से ही वॉच फेस को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप होम स्क्रीन के ऊपर टैप करके रखोगे तो ये वॉच फेस को यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करने देता है, तो आपको जाना पड़ेगा मेनू के अंदर, और उसके बाद आपको जो वॉच फेस यहाँ पे सेट करना है तो आप वहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो थोड़ा सा ये मुझे एनोइंग लगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसका UI जो है वो कैसा है, मींस इसका स्पीड कैसा है, लैगिंग है या नहीं, और बिलीव मी काफ़ी मुझे मज़ा आ गया। इसका UI जो है काफ़ी स्मूथ है, लैगिंग भी नहीं है, और गाइज यहाँ पे स्लो भी नहीं है, काफ़ी कम्प्लीटली ये वर्क करता है, और गाइज एनिमेशन जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो आप यहाँ पे स्वाइप अप करोगे तो आपको यहाँ पे ट्रैक डेटा मिल जाएगा, आप यहाँ से हार्ट रेट जो है वो भी यहाँ पे मेज़र कर सकते हो, स्टेप्स मेज़र कर सकते हो, आपका जो स्लीप क्वालिटी यानी स्लीप
मॉनिटरिंग कर सकते हो, वेदर डेटा और म्यूज़िक कंट्रोल भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और जो एनिमेशन है वो काफ़ी एकदम सही से ये वर्क करता है। स्वाइप डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर मिल जाएगा, जहाँ से आप जो डू नॉट डिस्टर्ब मोड है तो फिर ब्राइटनेस कंट्रोल जो फ्लैश है वो ऑन हो गया, तो फिर नोटिफिकेशन को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। राइट साइड स्वाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा मेनू। और गाइस बिलीव मी, काफ़ी यहाँ पे फ्लॉलेस है, काफ़ी स्मूथ यूआई है कंपेयर टू अदर वॉचेस, जिसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे जो बाकी सारे स्पोर्ट्स मोड है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और टच रिस्पॉन्स जो है गाइस वो भी मुझे एकदम सही लगा। ब्रीथ मोड यहाँ पे मिल जाता है, कैमरा कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है, ब्लड ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे स्टॉप वॉच है, फाइंड माय डिवाइस है, यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अप टू 15 सेकंड तक आप यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट को सेट कर सकते हो। और आप ऑफकोर्स यहाँ पे जो वॉच फेस है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एक जो वॉच फेस है वो रहेगा आपका क्लाउड वॉच फेस, और सेकंड जो वॉच फेस है वो रहेगा आपका कस्टमाइज यानी फोटो वाला। तो भाई काफ़ी एकदम सही वाला है, यहाँ पे कोई सेटिंग ऑप्शन नहीं मिलता है, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मेनू में मिल जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स के लगे, तो गाइज यहाँ से पहला जो है वो है अलार्म सिस्टम। यहाँ पे आपको अलार्म का सिंबल ही नहीं मिलता है, आपको वाया ऐप में ही यहाँ पे अलार्म जो है वो सेट करना पड़ेगा। सेकंड गाइज वो है वॉच फेसेस, यहाँ पे आप होम स्क्रीन के ऊपर से डायरेक्ट क्लिक करके तो फिर इसे टच एंड प्रेस करके जो वॉच फेस है उसे चेंज नहीं कर सकते हो। आपको जाना पड़ेगा मेनू के अंदर, और मेनू में जाके ही आपको यहाँ पे जो वॉच फेसेस है उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर बात करें यहाँ पे प्रोस की, तो गाइस सबसे पहला जो है वो है प्राइस 2500 रुपीज़ में, काफ़ी सुपरबली आपको यहाँ पे स्मार्ट वॉच मिल जाता है राउंड डायल में। और बिल्ड क्वालिटी गाइस मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी सुपर है, और डिस्प्ले की क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी अकॉर्डिंग टू प्राइस। इनफैक्ट जो पुराना जो हमारा बोट था बोट वॉच, उससे तो गाइज ये काफ़ी यहाँ पे बेटर है। अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, तो गाइज वो है सेंसर। जी हाँ गाइज, तो यहाँ पे SPO2 और हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर जो है वो काफ़ी इम्प्रूव वाला है। लास्ट टाइम जब हमने टेस्ट किया था इन द एयर, तो गाइज ये मेजर कर रहा था, अभी ये यहाँ पे मना कर देता है कि कम्प्लीटली टाइट इसे वियर कीजिए। तो गाइज काफ़ी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है सेंसर के अंदर भी, और बाकी सारे तो फीचर आपको मिल ही जाते हैं, जैसे म्यूजिक कंट्रोल है, या तो फिर आप कैमरा कंट्रोल कर सकते हो, कस्टम वॉच फेस, क्लाउड वॉच फेस, तो भाई काफ़ी धमाल है ये। अगर बात करें यहाँ पे गिव और स्टेप्स की, तो काफ़ी इजी है। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट में जाके मुझे बताना है क्या खास और यूनिक लगा बोट वॉच फ्लैश के अंदर। और हाँ, गिव अवे का जो विनर है वो हम यहाँ पे अनाउंस करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो जाइए इंस्टाग्राम में और हमें फॉलो कर दीजिए। दोनों का यहाँ पे जो लिंक है वो मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।